हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टार पायल वत्स में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे कुशल मंगल होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ, बहुत ही अच्छा लेसन फिर आपके लिए लेकर आई हूँ और बहुत ही ईजी है लेसन जो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। बस वीडियो में मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड रंग का, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, वहाँ पर ऑल का बटन आएगा उसको ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंच जाए। तो आज का जो लेसन मैं आपको सिखाने वाली हूं, इसकी खास बात यह है कि इसमें हल्का सा पंजाबी टच भी है, मतलब आप पंजाबी गानों पर भी इसको बजा सकते हैं और बजाकर इस पर खूब सारा पंजाबी डांस भी कर सकते हैं। हिंदी गाने पर चाहे आप इसे बजाइए, चाहे भजनों में इसको बजाइए, फास्ट स्लो हर तरीके के गानों पर आप आज की जो मैं ताल सिखाने वाली हूं, बहुत छोटी सी ताल है और बहुत ही परफेक्ट, बहुत अच्छा साउंड इसका निकल कर आता है। किसी पर भी आप इसको बजाइए, बजाकर भी मैं आपको बताऊंगी थपाक के साथ। तो देखिए, आपने आज की जो ताल है आपने चाटी पर बताती हूँ आपको, फिर बेस पर, और दोनों को मिक्स करके आपने कैसे बजाना है ये भी आपको बताती हूँ। तो देखिए, आपने कैसे बजाना है, यहाँ पर चाटी पर आपने सिर्फ बजानी है। देखिए, चार मात्राएँ चाटी पर आपने सिर्फ चार मात्रा बजानी है। गुरु फिंगर से आप इसको स्टार्ट करेंगे और आज की जो ताल है ना, इसमें सिर्फ इंडेक्स फिंगर एक बार ही बजेगी। टोटल जितनी बार भी बजेगा, यहाँ पे बेस और ये गुरु फिंगर का आज हम इस्तेमाल करेंगे, इंडेक्स फिंगर सिर्फ एक बार बजेगी। तो देखिए, चाटी पर आपने कैसे बजाना है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, सिर्फ चार बार आपने इसको बजाना है। और जिनको दोनों हाथ एक साथ चलाने में दिक्कत होती है उनके लिए लेसन आज का बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसको हम रोक रोक कर बजाएंगे। जब इस पर बजाएंगे तो हम यहाँ हाथ नहीं चलाना, और जब यहाँ बजाएंगे तो हमने यहाँ पर हाथ नहीं चलाना है। बस वीडियो में अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें, अभी आपको ये लेसन आ जाएगा। देखिए कैसे आपने बजाना है। एक तो ना, जब आप ग्रुप फिंगर चलाते हैं ढोलक पर तो आपने क्या, ऐसे खोल कर, कई लोग ऐसे खोल कर इनको फिंगर्स को बजाते हैं, नहीं, जब आप देखिए आवाज़ क्या है, बिखर जाती है। इसको आपने ऐसे तीनों को जोड़कर ही आपने इसको बजाना है। देखिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। और कई लोग बोलते हैं कि हमारी जब हम इंडेक्स फिंगर बजाते हैं तो ढोलक में से साउंड नहीं निकलता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं निकल रहा है तो आप ऐसे करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ऐसे ऐसे 5 मिनट आप जरूर ऐसे ऐसे इस पर बजाकर प्रैक्टिस करा करें, फिर आपकी जो दिक्कत है कि इसमें से साउंड नहीं निकलता है वो भी निकलने लगेगा। देखिए ऐसे ऐसे, एक दो तीन चार, 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 एक दो। तो देखिए, चाटी पर सिर्फ आपने इतना ही बजाना है। अब बात आती है बेस की। देखिए, बेस पर आपने कितनी बार बजाना है। बेस पर आपने जो आज की ताल है इसमें आपने बंद बेस में नहीं बजाना है, ओनली सिर्फ आप इसमें खुले बेस में बजाएंगे। देखिए कैसे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, खुले बेस में नहीं बजाना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। तो देखिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कि आपने चाटी की साइड चार बार बजाना है और बेस की साइड आपने तीन बार बजाना है। तो तीन बार इधर और चाटी की साइड चार बार, तो टोटल कितनी हो गई मात्राएं हमारी, सात। तो आज की जो ताल है सिर्फ सात मात्रा की ताल है और बहुत ही अच्छी है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जब आप यहाँ पर बजाते हैं, अब हम मैचिंग कर रहे हैं, फिर गाने के साथ आपको थपाक के साथ भी बजा के दिखाती हूँ। एक दो, एक दो, मतलब टोटल सात मात्रा हो गई। अब इनको आप कैसे मिलाएंगे, यहाँ पर आप बजाएंगे एक दो,
फिर आपने तीन बजाना है गुरु फिंगर से, तीन, एक दो तीन, फिर चार, फिर पांच, पांच तक तो देखिए आपने ऐसे बजाना है, एक दो तीन चार पांच, फिर छः सात, एक दो तीन चार पांच छः सात, देखिए कितना इजी है इसका मिलाना, इसको एक दो तीन चार पांच छः सात, तो आपने क्या नोट करा होगा कि जो इंडेक्स फिंगर है सिर्फ एक बार बज रही है, इधर की साइड हमने ग्रुप फिंगर ही चलेगी, हमारी इंडेक्स फिंगर सिर्फ आपने एक बार बजानी है, इस बात का आप ध्यान रखकर इसको बजाएंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे। अब देखिए आपने इसको ले में कैसे बजाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 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 तो अब देखिए ढोलक पर जब आप इसको बजाते हैं कैसे साउंड निकल कर आता है देखिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, आपका प्यारा सा लाइक मुझे मोटिवेट करता है मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, देखिए एक दो आपने बेस पर बजाएंगे, एक दो और तीन चाटी पर, चार फिर बेस पर, और फिर पाँच गुरु फिंगर से चाटी पर, और फिर पाँच और छः इंडेक्स फिंगर फिर चाटी पर, और सात गुरु फिंगर फिर से चाटी पर, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। पहले आप धीरे धीरे ही हाथ चलाइए, इसको फास्ट करिए, पहले धीरे धीरे बजाइए फिर फास्ट कर दीजिए, देखिए कैसे, जब आपको लगे कि अब आपके इतने हाथ सही से चल रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे घर के वो ऐसे करते हैं डिंग डिंग लक लक, तो उनके सामने जब आप इस ढोलक को बजाएंगे तो वो भी बेहद खुश हो जाएंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक, डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग, तो देखिए कितना खूबसूरत साउंड निकल कर आ रहा है। अगर कोई फास्ट है सॉन्ग तो आप फास्ट पे बस इसको स्पीड को आपने और फास्ट कर देना है, देखिए कैसे, अब देखिए मैं गाने के साथ आप इसको गा के बताती हूँ, देखिए कैसे, जो मैंने अभी थपाक लगाई थी ये मैंने अभी जो परसों वीडियो डाली है उस पर मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी वो परसों वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उस पर मैंने बता रखा है कि थपाक आपने कैसे लगानी चाहिए, तो वही वाली थपाक आज मैं आपको इसके साथ लगा के दिखा रही हूँ। चाहे आप इसको फिल्मी गानों पर बजाइए, देखिए कैसे, जिनकी चाहत में अखियां तरसी है,
तरीके से आप ढोलक बजा सकते हैं, चाहे आप माता के और भजनों पे इसे बजाइए। देखिए कोई फास्ट भजन है तो फास्ट कर दीजिए, देखिए कैसे। तरीके से अगर फास्ट गाना है तो उस पर आप बजाइए। ये वाला भजन अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है पायल वत्स गाने, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस भजन को पूरा सुन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अच्छी ढोलक अगर आप सीखना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्ते जी।